समझे मैडम दीदी भैया, समझे मैडम दीदी भैया, अरे अपने हाथ में देश की नैया, समझे मैडम दीदी भैया, अनपढ़ हो या शिक्षित, मतदान करेंगे तो होंगे सुरक्षित, अनपढ़ हो या शिक्षित, मतदान करेंगे तो होंगे सुरक्षित। तो आज हम अपने छोटे से नाटक के माध्यम से अपनी जनता यानी आप सभी को मतदान के अधिकार से अवगत कराने आए हैं, तो देखिए आइए आपको लेके चलते हैं भारतीय दफ्तर की ओर, जहां एक व्यापारी अपने कर्मचारी को वोट देने से रोकना चाहता है। अंशिका, अंशिका, मैंने तुम्हें जो फाइल दी थी वो मुझे कल तक कंप्लीट चाहिए। मैम सॉरी, मैं कल तक ये फाइल नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी। और मैं जान सकती हूँ क्यों? मैम कल वोट देने जाना है और मैं वोट देने जा रही हूँ, कल मैं ऑफिस ही नहीं आ पाऊंगी। तुम्हारे एक वोट देने से क्या हो जाएगा, तुम्हें पता ये फाइल कितनी इम्पोर्टेंट है? मैम हमारे इस मतदान से पूरा देश चलता है, ये लोकतंत्र का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि प्रत्येक नागरिक अलग अलग तरीके से जाति धर्म लालच को छोड़ते हुए अपने मतदान का सही प्रयोग करे तो हमारे देश कहां से कहां पहुंच जाए, हमारे राष्ट्र का विकास हो जाए, हम सब का विकास हो जाए। और कौन कहता है ये देश तुम्हारे एक वोट से चलता है, ये देश हम जैसे बिजनेसमैन चलाते हैं। मैम आप जैसे बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए नीतियां कौन बनाता है, आखिर सरकार ही तो बनाती है नीतियां। और अगर आपने अपने मतदान का सही प्रयोग नहीं किया तो हो सकता है कि एक दिन आपका ये बिजनेस ही बंद पड़ जाए। शायद तुम सही कहती हो, हम सबको अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए। मैं भी चलूंगी कल तुम्हारे साथ वोट देने। मैम मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, इसी तरह प्रत्येक नागरिक को अपने वोट का सही प्रयोग करना चाहिए, तभी हम सबका विकास होगा और हमारे देश का विकास होगा। देखा आप सबने आजकल शिक्षक लोगों में भी मतदान को लेकर क्या सोच है, तो आइए हम सब मिल के संकल्प लें।